जैसे अगर मैं कहूँ अभी इस साल की सिचुएशन की बात करूँ, जिसमें मतलब मुझे डायरेक्शन मिला था कि मुझे बोला गया था कि मुझे इतने फला दिन में सिलेबस कम्प्लीट करना है, तो मैंने अपना कुछ अपने अपनी मतलब कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि हाँ एक दिन में या एक चैप्टर में कितने दिन में कब तक ही कर सकती हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक दिन में एक चैप्टर अगर लेके करेंगे तो लगभग 3 महीने में मेरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैंने आई गेस लास्ट ईयर सेप्टेम्बर से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना और 3 महीने में मेरा सिलेबस 3 या 3.5 महीने में एक चैप्टर एक दिन में लेकर, और उस चैप्टर को मतलब मेरा ये रहता था कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ में PYQ करना, साथ में NCERT की एक्सरसाइज इंडेक्स के क्वेश्चंस करना, एक्सरसाइज के बैक के क्वेश्चंस करना, और असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चंस रहते थे तो मैं करती थी। और मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको उस चैप्टर के दुनिया भर के HCV और की क्वेश्चंस मिल सकते हैं, HCV के वगैरह मैं वो भी लगाती थी, मेरे को आज से समय बुक दी थी मैं लगाती थी। तो दुनिया भर के क्वेश्चन जब तुम उस चैप्टर को मतलब एक चैप्टर एक दिन में करने का यही मतलब है कि आप बिल्कुल हर एक कोना दे क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी थ्योरी से क्वेश्चन ऐसे करके। कभी कभार तो मुझे दूसरे लग जाते थे, जैसे अगर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह, स्पेशली मुझे याद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी SPDF ब्लॉक के, वो मैंने NCERT से लाइन पढ़ पढ़ के नोट्स बनाए थे अपने शॉर्ट नोट्स। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसको अगर एक बार में करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं रोज सुबह 2 घंटे देती थी इनऑर्गेनिक को, रोज सुबह उठे फॉरन इनऑर्गेनिक लेके बैठ गए NCERT और अपना जो नोट्स शॉर्ट नोट्स, तो उसको मैं 2 घंटा देती थी। इस तरीके से मेरा पी ब्लॉक जो था 12th ब्लॉक, जिसमें पी ब्लॉक तो जिसमें 4 ग्रुप्स हैं, तो वो मेरा हो गया था 1 घंटे 2-2 घंटे। तो ऐसे एक दिन में अगर एक तरीका होता है, जब आप ऐसे करते रहोगे एनालाइज करते रहोगे तो आपको खुद आइडिया लगता रहेगा कि हाँ, क्योंकि अगर आप एक बार में लेके बैठोगे तो दिमाग थोड़ा सा पक जाएगा और उसके बाद आप लाइक उतनी एफिशिएंसी से, जैसे आप नोबेल गैस तक पहुंचे तो उतनी एफिशिएंसी से फिर आप नोट्स नहीं बना पाओगे। ऐसे रोज 2 घंटे देखे आपको फ्रेश मूड में आप बनाओगे तो आपका बेहतर बनेगा। तो इस तरीके से लाइक नोट्स और सेल्फ स्टडी इज मस्ट। जैसे अभी पढ़ लिया, अभी 12th चल रहा है तो 11th का भी हम लोग को कवर करना है, तो उसके लिए अभी तो हम 12th में आओ ना, बोर्ड्स कब है? मार्च स्टार्टिंग मार्च में होगा, तो अगले साल होगा 2024 में 12th। तो अभी मेरे ख्याल से तुम लोग को 11th पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ महीने 11th को स्ट्रांग बनाओ, फिर जैसे 12th बोर्ड आए करीब, बोर्ड मतलब 4-5 महीने पहले, तब जाके 3-4 महीने पहले तुम बोर्ड्स की, या फिर 3-4 महीने भी ज्यादा है बोर्ड्स की तैयारी, क्योंकि आपका उस वक्त 12th भी आ जाएगा ना यहाँ कोचिंग में, तो आपको उस तरीके से 12th भी चलता रहेगा। अभी जो चल रहा है आप उसको, अभी जो 11 चल रहा है उसको बिल्कुल इतना स्ट्रांग बना लो कि जब तुम 12th की प्रिपरेशन कर रहे होगे उसके बाद जब तुम दोबारा 11th रिवाइज करोगे तो तुम्हें ज्यादा टाइम ना लगे, इतना स्ट्रांग बना लो अभी। इस प्रिपरेशन में आपको सबसे ज्यादा क्या बात है इस प्रिपरेशन में? सबसे ज्यादा क्या बहुत किया था, सबसे ज्यादा क्या डिस्टर्ब किया था आपने किस मामले में? इट्स रिलेटेड टू स्टडीज और हर एक्सपेक्ट। सबसे ज्यादा मुझे क्या बॉदर किया था, वो था कि खुद से लड़ाई, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी तो कभी कभार फैमिली से मतलब पहली बार अलग हुई थी हॉस्टल में रहने के लिए, अदरवाइज मेरा तो घर यहीं पे रह के पढ़ती थी, बट स्टिल मैंने हॉस्टल लिया था। तो सबसे ज्यादा मुझे बॉदर करता था क्योंकि हाँ खुद से रहता है ना कि हमारा दिमाग हमारा मन कहता है कि बस हम बहुत हो गया। तो जब डिमोटिवेट होती थी तो मोटिवेट कैसे होती थी? मैं आशा सर से बात, या कभी कभार अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं ऊपर वाले से बात करती थी, मैं अपने आशा से बात करती थी।
क्योंकि ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई फ्रेंड मुझे मिला नहीं अभी तक के कि मैं अपनी बात ऐसे शेयर कर सकती हूँ। तो कुछ लोग फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, कुछ पेरेंट्स को ढूंढते हैं। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स अभी अपने पेरेंट्स को शेयर करूंगी तो वो भी परेशान जाएंगे। भले मुझे इतना पता है कि मेरी प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, लेकिन उस वक्त के लिए वो मुझे बदर करे, वो मुझे डिस्टर्ब करे, तो मैं कैसे अपने आप को काम करती थी? या तो मैं खुद से बातें करती थी, या मैं ऊपर वाले से, या मैं आसे से बात करती थी, घर वालों से कभी जो शेयर करने वाली रहती थी कि हाँ बताने वाली है तो मैं बताती थी। अदरवाइज उनको तो मतलब मेरा लगता था कि आप लोग चिंता ना करिए, पढ़ रही हूँ मैं, आपको एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बस ये रहता था। तो घर से हॉस्टल जाना मतलब एक अच्छा ऑप्शन था? हाँ, हर किसी के मामले में मैं नहीं कहूंगी कि हाँ सबके लिए यही सही है, क्योंकि घर पे आपको अगर घर वैसे तो घर मुझे लगता है कंफर्ट है। घर पे आप बेड पे रह गए, खाने की जरूरत है इधर मम्मी दे रही, इधर खाना, मतलब आपको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज होता है ना। जैसे हॉस्टल में रह के ये था कि अभी आपको खाने की भी के लिए टेंशन होनी है, मतलब या तो अगर आप खाना खुद बना रहे हो तो आपको उसके लिए टाइम निकालना है, तो या तो आप जैसे मैंने टिफिन लगवाया था बट स्टिल मुझे खाने की प्रॉब्लम रहती थी क्योंकि बाहर आके मुझे खाना सूट नहीं करता था, तो उससे प्रॉब्लम, उससे जूझना। तो इन सबसे मैं ये नहीं कहूंगी ये प्रॉब्लम्स आपको लाइक प्रॉब्लम से ही तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स है तो इनसे लड़िए और इनसे लड़ना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपको कॉलेज मिला तो दूर मिला, आपको हॉस्टल में रहना है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। बाकी तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स तो रही हॉस्टल में रहकर, लेकिन मेरे घर और हॉस्टल बेटर क्या है? एलसीटी हॉस्टल घर भी बेटर है, बट ये इसीलिए मैंने कहा कि ये सबके लिए नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर पे हमें कंफर्ट मिलता है। मम्मी पूछती है कि बेटा ये खाने को ले आए, वो ले आए, कोई काम नहीं कराना रहता अगर मम्मी पापा आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करें, तो हम एक तरीके से हमें लगता है बहुत कम्फर्ट में चले जाते हैं कि यार हाँ खाना भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है, खाना हमारे रूम तक से आ जा रहा है, हमें बस बैठ के अगर सिर्फ पढ़ना भी रहेगा ना तो फिर भी या तो आप उस अपॉर्चुनिटी का मतलब आप इतने डिसिप्लिन, इतने समझदार, इतने मेच्योर हो कि आप उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाए, आपको इतना समझदार होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मेरे ख्याल से हॉस्टल बेटर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीजें हैं जो मुझे बोधे कर रही है घर में रहकर, इसीलिए मैं हॉस्टल आऊँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चीज का सोल्यूशन क्वेश्चन प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस क्वेश्चन द मोर यू गेट बेटर इन दैट। फैमिली अगर बॉदर करे तो हॉस्टल बेटर है क्या? आई कैन से दैट फैमिली कैसे बॉदर करती है मतलब समझी, मतलब टांगी कहना पिंच करती है, पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं ऐसा नहीं। अच्छा आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे एक महीने पहले ये सवाल लगाया था आप लोगों के? तो एक महीने पहले ये सवाल आपने लगाया था, एक महीने कैसे हो गए? वो तो आप भूल ही जाओगे आप। हाँ तो इसीलिए तो जब आप अभी से आप लगे रहोगे तो आपको एंड तक आपको कम टाइम लगेगा, फिर वो एक महीना, फिर आपको 20 दिन में हो जाएगा, फिर वो 15 दिन में, 10 दिन में। और हर क्वेश्चन को जरूरी है, अभी आप एक एक क्वेश्चन को देखो और उसको मार्क करते जाओ। किस लिए? कि जब आप एंड में जब आप दोबारा एक क्वेश्चन से गो थ्रू होगे तो आपको मार्क क्वेश्चन को देखना है कि हाँ ये मार्क किया था मतलब ये मेरा गलत हुआ था, या इसे मुझे सॉल्व करने में टाइम लगा था, या मैंने कुछ और सोच लिया था। इस तरीके के रीजन देके आप जो मार्क करोगे तो आपको दोबारा देखोगे तो जो आपने कर लिए है, जो अनमार्क्ड है वो तो आपने कर लिए ना, वो तो आपको आते हैं, जो आपने मार्क किया उसको देखते हुए जाओ तो उसको रिवाइज। फिजिक्स के तो देखो मैंने स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन बना के मॉड्यूल्स मेरे यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा इरेग्युलर रहते थे ना, तो मेरे यहाँ के मॉड्यूल्स थोड़े रहते थे, थोड़े नहीं रहते थे, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं एक जगह से करनी है या तो मैं पूरा जाऊँ कोचिंग से सारे मॉड्यूल्स उठा के ले आऊँ एक बार में, तो या ऐसा करूं, फिर मुझे ऐसा लगता था कि अभी ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो मेरे लिए जो सही रहता मतलब पोर्टेबल रहता था तो हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस फोन से कर लेते थे स्टार्टिंग। फिर उसके बाद मुझे मेरे पास वो भी थी
अरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मुझे एक बुक प्रोवाइड की थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है बट से उनको पता है, एम एस चौहान और जयसवाल ऐसे करके कुछ बुक्स का नाम है, उनसे मैं थोड़ी बहुत करती थी। लेकिन वही है कि जब एग्जाम करीब आता है तो समझ में नहीं आता कहाँ से क्या 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 करूँ और अब क्या पकड़े क्या छोड़े, तो मैं वही करती थी जो मैंने जहाँ से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो मेरे बुक मार्क थे मैं बुक मार्क कर देती थी, जो गलत होते थे मैं उनको बुक मार्क कर देती थी, तो वो मैं क्वेश्चन देखती रहती थी बार बार। और लास्ट सॉरी अभी जो मतलब 2022 की बात करें, 23 की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो मैंने नीट का पेपर दिया था उसकी एनालिसिस तो मैंने मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से की थी, प्रॉपर अगर आपको जानना है तो मैं एक बार फिर से प्रॉपर एनालिसिस करूंगी तभी बताऊंगी। गलतियाँ क्या की थी? गलती नहीं की थी तो 7 ना, गलतियाँ जैसे मैंने कुछ का कुछ समझ लिया, मेरी अक्सर जब मैं एग्जाम से भी पहले पेपर लेती थी तो मेरी गलतियाँ निकलती थी, जिन्हें मिस्टेक्स कहे हैं कुछ की हमको पता है, लेकिन जो हमको पता है जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो, और क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे तो पता है तो मैं कुछ का कुछ ऐसे लगा के आ जाती थी, और मेरी तो क्वेश्चन को रीड मेरी प्रॉब्लम ये थी, रीड क्वेश्चन केयरफुली, और आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो एक एक लाइन पढ़ के और प्रॉपर तरीके से फिर ऑप्शन रीड करो देन आंसर द क्वेश्चन, भले आपको पता हो लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपसे वही पूछना चाह रहा हो जो आपको पता है, हो सकता है कि उसके बगल वाला पूछ ले जो आपको पता है, मतलब आपने कुछ पढ़ा अगर तो हो सकता है उसके बगल वाला कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले, तो जैसे करेक्ट इनकरेक्ट पता है। मैं मुझे याद है जब मैंने पूरा पेपर कर दिया था मेरे ख्याल से 5 मिनट बाकी थे, नहीं 3-4 मिनट बाकी थे, तो मैं कुछ ऐसे नहीं, हाँ जब मैं OMR फिलिंग कर रही थी 20 मिनट बाकी थे, तब जब मैं OMR फिलिंग कर रही थी तो केमिस्ट्री बायो का था एक क्वेश्चन, मैंने सब पढ़े, एक तो करेक्ट इनकरेक्ट वाले बहुत थे उसमें है ना, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर उसमें मैंने देखा कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, और मैंने लगाए थे ऑप्शन करेक्ट वाले, मतलब ABCD में AB अगर इनकरेक्ट है तो CD करेक्ट है, तो मैंने CD लगा दिया, ऑप्शन में CD भी था, तो फिर जब मैं देख रही इनकरेक्ट उसमें हाईलाइटेड था तो मैंने दिखा रही यार इनकरेक्ट पूछा है, फिर मैंने ऑप्शंस पढ़े यार मैंने तो करेक्ट वाला लगा दिया, तो फिर उसके बाद मैंने इस तरीके के, फिर मेरे पास टाइम बचा था तो फिर मैंने उसको जल्दी से काट के फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा कि मैं दोबारा गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि हाँ ये इनकरेक्ट पूछा तो ये AB हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं AB ऑप्शन है, आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ इस तरीके से, फिर मैं लाइन से फिर मैं करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे देखती हुई करती आई, क्योंकि ऐसी यहाँ पे भी मेरी गलती हो गई थी इसलिए मेरे मार्क्स कम हो जाते थे, और मेरे ख्याल से ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ऐसे सीधे सीधे मिस्टेक्स मत करना। फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? मतलब 50 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगेगा या कितना लगा था? मुझे लग रहा था मिनिमम मुझे एक बार तो आधा घंटा लगा था जब मैं यहाँ देखा, लेकिन वहाँ पे नीट में मुझे लगा था 50 मिनट, 40-50 मिनट में मेरा हो गया था। कितने सही है? 1 घंटा या तो फिर मैक्सिमम कितना सही है? फिजिक्स में मेरे 39 सही गए थे और 4 में 3 गलत गए थे, केमिस्ट्री में 38 सही थे, 87 बायो में सही थे। यहाँ के टेस्ट सीरीज में आप कितने स्कोर करते हैं? ऐसे ही आते हैं, वैसे तो ज्वाइन तो नहीं किया था बट हाँ पेपर कहीं से भी अगर मुझे मिल जाता तो मैं छोड़ती नहीं थी, जैसे कभी मुझे ऐसा लगता था तो मैं नीट प्रेप का भी देती थी और एनालिसिस करती थी, फिर